जी की गुरी पे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही घंटी वाले बटन को दबा के फ्री में इस चैनल के नोटिफिकेशन पाएं, क्योंकि मैं पूरे इंडिया में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं इस चैनल पर आपको 100% ट्रू न्यूज़ मिलती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर देना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे में स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल की भर्ती आई है जिसमें 1937 पोस्टें हैं। इस वीडियो में फुल डिटेल में आपको बता देता हूँ। रेलवे RRP पैरामेडिकल स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2019 स्टार्ट हो चुके हैं। पोस्ट नेम है पैरामेडिकल स्टाफ नर्स, वेरियस पोस्ट हैं और भी बहुत सारी पोस्ट हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 4 मार्च 2019 से स्टार्ट हुए हैं और जो लास्ट डेट होने वाली है वो 2 अप्रैल 2019 होने वाली है। जो लास्ट डेट फॉर फीस की होने वाली है वो 5 अप्रैल 2019 होने वाली है। पेमेंट की जो लास्ट डेट होने वाली है वो 4 अप्रैल 2019 होने वाली है। फाइनल सबमिशन की 7 अप्रैल 2019। एडमिट कार्ड के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं पता। एग्ज़ाम जो होने वाला है वो जून और सितंबर के बीच में आपका हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। जनरल और OBC के लिए 500 रुपये है। SC ST फीमेल एक्स सर्विस मैन के लिए 250 रुपये है। फीमेल किसी कैटेगरी से हो उसके लिए 250 रुपये ही फीस रहेगी। फीस है जो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी दे सकते हो और अगर चाहे तो आप पोस्ट ऑफिस चलान भी निकलवा सकते हो। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इन इंडिया होने वाली है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जो एज आपकी काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2019 के अकॉर्डिंग की जाएगी। इसमें आपके लिए टेक्निकल के लिए 18 से लेकर 33 साल है। स्टाफ नर्स के लिए 20 से लेकर 40 साल है। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए 18 से लेकर 33 साल है। डायलिसिस टेक्निकल के लिए 20 से 33 साल है। एक्सटेंशन एजुकेटर के लिए 22 से लेकर 35 साल है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर 3 18 से लेकर 33 साल है। लैब सुपरिटेंडेंट Grade 3 के लिए 18 से लेकर 33 साल है। ऑप्टोमेट्रिकल के लिए 18 से लेकर 33 साल है। परफ्यूशनिस्ट के लिए 21 से लेकर 40 साल है। साइको थेरेपी के लिए 18 से लेकर 33 साल है। फार्मिस्ट Grade 3 के लिए 20 से 35 साल है। रेडियोग्राफर के लिए 19 से लेकर 33 साल है। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए 18 से लेकर 33 साल है। ECG टेक्निकल के लिए 18 से लेकर 33 साल है। लेडी हेल्थ विजिटर के लिए 18 से लेकर 30 साल है। लैब असिस्टेंट Grade 2 के लिए 18 से 33 साल है। नंबर ऑफ पोस्टें जो होने वाली है टोटल 1937 पोस्ट है। वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं। RRB पैरामेडिकल के लिए स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2019। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं। डाइटेन के लिए 4 पोस्टें हैं। स्टाफ नर्स की 1109 पोस्टें हैं। डेंटल हाइजीन की 5 पोस्टें हैं। डाइनिकल टेक्निकल के लिए 20 पोस्टें हैं। एक्सटेंशन एजुकेटर के लिए 11 पोस्टें हैं। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 299 पोस्टें हैं। लैब सुपरिटेंडेंट के लिए 25 पोस्टें हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए 6 पोस्टें हैं। परफ्यूजनिस्ट के लिए 1 पोस्टें हैं। साइको थेरेपिस्ट के लिए 21 पोस्टें हैं। पैरा मेडिकल ग्रेड के लिए 277 पोस्टें हैं। रेडियोग्राफर के लिए 1-8 पोस्ट है। स्पीच थेरापिस्ट के लिए 1 पोस्ट है। ECG के लिए टेक्निकल के लिए 23 पोस्टें। लेडी हेल्थ विजिटर के लिए 2 पोस्टें हैं। लैब असिस्टेंट Grade 2 के लिए 82 पोस्टें हैं। कैंडिडेट को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वहाँ पे मैं आपको इसका फुल नोटिफिकेशन लिंक दे दूंगा तो आप फॉर्म फिल करने से पहले वहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन है तो आप वहां से फुल रीड करके ही इस पोस्ट को अप्लाई करना। पे स्केल की बात कर लेते हैं। एज पर रूल्स गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप प्लीज़ इसको वीडियो के चलते चलते एक बार इसको नोट कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी पोस्ट है वैसे भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देने वाला हूं तो आप यहां से जाके भी इसको देख सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स नीचे भी आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं आपको ये पढ़ के सुनाने लग गया तो बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो और इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो
और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ में ही सब्सक्राइब बटन को दबा देना, क्योंकि आपकी दुआओं के साथ ही इस चैनल की आगे जाके तरक्की होने वाली है। अगर आपकी मर्जी होगी तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पे 100% ट्रू न्यूज़ मिलती है। तो मैं आपको यही सजेशन करने वाला हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अप्लाई कैसे कर सकते हो, अभी मैं आपको बात कर लेता हूँ। स्टाफ नर्स ऑनलाइन 2019 अप्लाई लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, डायरेक्ट लिंक, आप वहाँ से जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है फॉर्म फिल करते इस टाइम पे, आपको एक फ़ोटोग्राफर की जरूर फोटोग्राफ की ज़रूरत है और एक सिग्नेचर की ज़रूरत है जो आपका होना चाहिए। सिलेक्शन कैसे होने वाली है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसकी टू स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज और टू स्टेज। सबसे पहले स्किल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट आपका होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में ही घंटी वाले बटन को दबाना तो आपको टाइम सर इसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉब्स जी के गुरी। थैंक यू फ्रेंड्स।